अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे सीक्रेट किचन में चिकन क्वीन हमारे स्टाइल में। चलो इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये मैंने चिकन ली हूँ 1 किलो, ये मैंने 5 से 7 काजू ली हूँ और 5 से 7 बादाम ली हूँ, 50 ग्राम से कम खोया है, और ये मैंने हरी मिर्ची ली हूँ। ये हमें अपने अंदाज से लेना है कितना हमें स्पाइसी खाना है। ये मैंने 50 ग्राम से भी कम धनिया ली हूँ, 50 ग्राम से भी कम सौंफ ली हूँ, जीरा 2 चम्मच ली हूँ, ये सफेद तिल ली हूँ मैंने 1 चम्मच, 5 काली मिरी, 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, ये 2 छोटे मैंने दालचीनी की टुकड़ी ली हूँ, और ये 2 तेज पत्ते ली हूँ। ये सब ये तेज पत्तों को तोड़कर हमें सब अच्छी तरह से इसे रोस्ट कर लेना है। ये मैंने सूखी मिर्ची ली थी, इसे मैंने भूनकर क्रश करके चिली फ्लेक्स बना ली हूँ। नमक अपने हिसाब से लेना है, गरम मसाला हम थोड़ा लेंगे क्योंकि हमारे वो रोस्ट में भी गरम मसाला है, और कसूरी मेथी जरा सी लेंगे। ये कसूरी मेथी को मैंने भून कर रख ली हूँ, और 3 छोटी इलायची लेंगे। ये खसखस को मैंने गरम पानी में अच्छी तरह से 10-15 मिनट के लिए भिगा दी थी। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन क्वीन बनने जा रहा है तो हम आज बटर से, कुछ स्पेशल बन रहा है तो आज हम बटर से इसे बघारेंगे। ये 2 चम्मच के जितना मैंने फ्रेश क्रीम ली हूँ, 3 से 4 चम्मच मैंने दही ली हूँ, ये 1 कप के जितना मैंने दूध ली हूँ, आलू मैंने ली हूँ क्योंकि अगर आपके ऊपर है, अगर आपको आलू लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, मैंने बच्चों के लिए आलू ली हूँ, और 3 से 4 मैंने बड़े बड़े स्लाइस में कांदा काट ली थी। अभी हम हमारे मसाले जो है इसे रोस्ट करेंगे। ये मैंने जो ड्राई फ्रूट खोया और हरी मिर्ची और ये खसखस ली हूँ, हम इसका पेस्ट बना लेंगे। खोया भी इसी में डालेंगे और खसखस और ये जो पानी था वो भी इसी में हम ऐड कर देंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार है। अभी हमने ये जो मसाले लिए थे इसे हम रोस्ट कर देंगे। मैंने तवा रख दी हूँ गैस पर, ये सूखे मसाले हम इसमें डाल देंगे, तेज पत्ता भी डालेंगे। तेज पत्ते के हम टुकड़े कर देते हैं। मीडियम लो पे हम इसे आहिस्ता आहिस्ता भुनेंगे। ये देखिए मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है अच्छी तरह से। गरम मसाले की, सौंफ, धनी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हमें मिक्सर, गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अभी हम मिक्सर के जार में इसे निकाल के अच्छा बारीक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए हमने जो मसाला रोस्ट किए थे इसका फाइन पाउडर बना लिया है। मैंने गैस पर पैन रखी हूँ, गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी हूँ। अब हम जो बटर था वो बटर ऐड करेंगे। बटर थोड़ा मेल्ट होने देंगे। ये बटर हमारा अच्छा मेल्ट हो चुका है। ये कांदा और तेज पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। हल्का ब्राउन होने तक हम इसे चलाएंगे। प्याज हमारी अच्छी ब्राउन हो चुकी है तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को 2-3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। मुर्गी हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिए। अब ये जो मैंने अदरक लहसुन पेस्ट ली वो ऐड करेंगे इसमें। अदरक लहसुन भी डाल के अच्छी तरह से 2-3 सेकंड तक भूनना है कि सारे चिकन में अदरक लहसुन मिक्स हो जाए। सेकेंड तक हमने इसे भून लिया, अदरक लहसुन की महक भी चले गई। अब हमने जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट बनाए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो पेस्ट हमने पीसे इसे हमारे चिकन कुई में थिकनेस आएंगी। मसाला हमारे भून चुका है। अब हमने जो चिली फ्लेक्स
नमक, गरम मसाला और ये 3 छोटी इलायची ली थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये जो मैंने फाउंड रोस्ट करके फाइन पाउडर बनाई थी इसे भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें दही और ये जो फ्रेश क्रीम लिए थे वो ऐड करेंगे। देखिए ग्रेवी के लिए मैं थोड़ा सा 1 कप जो दूध ली थी वो ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो पानी भी यूज कर सकते हो। ये देखिए मैं अब एक आलू डाल रही हूँ। आलू डालकर हम इसे 5 से 7 मिनट तक रखेंगे, आलू भी गल जाएंगे और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा। ये देखिए हमारा चिकन चाही कुलीन अच्छी तरह रेडी हो चुका है, बटाटे भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और ये हमारा चिकन भी अच्छी तरह से पक चुका है। तेल जो हमने बटर ऊपर डाले थे वो भी अच्छी तरह ऊपर आ चुका है। अभी हमने जो कसूरी मेथी लिए थे इसको हमने क्रश करके रखे थे, ये हम ऊपर से डालेंगे। ये कुछ ग्रीन चिल्ली ली हूँ ये भी हम डालेंगे और कोथमीर। ये चावल के साथ भी खा सकते हैं आप, आपको आपके ऊपर है आपको कितना गाढ़ा और कितना पतला रखना है। अब देखिए हमारी चिकन शाही क्वीन की ग्रेवी, कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है। अब हम इसे बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा चिकन शाही क्वीन रेडी है, आप भी एक बार घर पे ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए।